ओए ओए आइए आइए आइए, ये श्रीमान सिर्फ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो इन्हें करने दो, आप क्यों बीच में बोले जा रहे हैं, बोलिए। प्लीज आप लोग जाएं। अरे भाई स्टूल बोल लाओ यहाँ पे। आप सीबीआई साहब ही है ना? सीबीआई साहब ने सीबीआई डिपार्टमेंट होता है, हम उसमें काम करते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो हमसे साहब? हाँ बोलो बोलो, डरो नहीं साहब। पीएम की हत्या होने वाली है साहब। पीएम कहाँ रहता है? दिल्ली में साहब। पूरा नाम बताओ। पीएम क्या है? पीर मोहम्मद, पीरुमल, प्रकाश मेहरा। प्लीज गोपी साहब, प्रधानमंत्री की हत्या होने वाली है साहब। विजय, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये पागल है। इस कबाड़ी को पीएम के कत्ल की इंफॉर्मेशन। Let's hear it out. पागल बने? मैं पागल नहीं हूँ साहब, वाकई वो प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले हैं साहब। मेरे को गोली से मारी उन्होंने, ये देखो। पागल नहीं हूँ साहब, वो लोग बहुत डेंजर है, प्रधानमंत्री की हत्या करेंगे साहब। I think we must inform the director. साहब, मड आइलैंड में शंकर भगवान के मंदिर के बाजू में जो सफेद बंगला है ना, जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, वहाँ चार आदमी प्रधानमंत्री की हत्या करने की बातें कर रहे थे साहब। 2 अक्टूबर को वो प्रधानमंत्री को खल्लास करने वाले साहब। तुमने उनकी शक्लें देखी? नहीं साहब, बार बार एक आदमी को वो एमपीजी एमपीजी करके बोल रहे थे। वो लोग बहुत बहुत डेंजर लोग हैं साहब। तुमने सिर्फ आवाजें सुनी? हाँ साहब, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ खिड़की पर बड़ी जाली लगी हुई थी, ठीक तरह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी दूसरा आदमी बोला, सीबीआई को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तीसरा आदमी बोला, कोई बात नहीं, सीबीआई की सब खबरें मेरे को मिलेगी। बहुत डेंजर लोग हैं साहब, प्रधानमंत्री को मारने वाले। तुम वहां क्या करने गए थे साहब? जवाब दो साहब। झूठ क्यों बोलू, चोरी करने गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या की बात सुनते ही मैं बहुत घबरा गया साहब, बहुत घबरा गया साहब। उस घबराहट की वजह से मेरा सांस रुक गया, इतने में मेरे को खांसी आ गई और उन्होंने मुझे देखा और गोली चलाई साहब। झूठ बोल रहा है, चोरी करने बंगले में घुसा होगा, बंगले वाले ने गोली चला दी, अब पुलिस से बचने के लिए कहानी बना रहा है। काफी नर्वस है, ठीक हो जाए तो उसका बयान फिर से ले लेना। जी सर। सर प्लीज। पवन कहाँ है? आया था सर, he was feeling little tired, घर चला गया। गुड नाइट सर। तुम ऊपर जाकर उसको गार्ड करो, मैं हवलदार को फोन करके आता हूँ। यहाँ यार बड़ी बदबू आ रही है। एक्सक्यूज मी। यस माय चाइल्ड। आई एम नॉट ए चाइल्ड। ऑल आर गॉड्स चिल्ड्रन। आप कहाँ जा रहे हैं? एक खुदा का बंदा अपने गुनाह कबूल करना चाहता है, उसका कन्फेशन सुनने जा रहा हूँ मैं। आप असली फादर हैं? गोपी प्लीज, फादर आप जाइए, सॉरी टू बॉदर यू। गॉड ब्लेस यू माय सन। नाउ दिस इज टू मच गोपी, हर इंसान पे शक करते हो। हमारी कामयाबी की शुरुआत शक से शुरू होकर सबूत तक पहुंचती है मिस्टर विजय कुमार। चलिए पुलिस स्टेशन फोन करके हवलदार को बुला लेते हैं। चलिए। प्रभुदयाल आर्य साहब। कहाँ से यार? सांताक्रूज पुलिस चौकी। असली हवलदार हो? गोपी प्लीज यार, गोपी तुम्हारी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड के बाहर। जी साहब। ठीक है, देखो ना कोई अंदर जाए ना कोई बाहर आए। जी साहब। बिल्कुल चौकन्ने रहना। जी साहब। हाँ। जी साहब के अलावा कुछ और आता है? जी साहब। जी साहब चलिए। चलो यार गोपी। जी साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मर्डर 2 और 3 बजे के बीच में हुआ। 2 और 3? 3 बजे तक तो हवलदार आया भी नहीं था, और मैं और विजय आपको छोड़ने के लिए नीचे आए थे। आपके जाने के बाद ओह माय गॉड,
प्रीस्ट सर, फादर। ये छोटा सुपारी है, बैंड्रा से वर्सोवा के बीच में काम करता है, ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन कभी कभी पैसे लेके मर्डर भी करता है, लेकिन ये बड़ी लीग में नहीं है सर। इसे फौरन उठा लो, इससे पहले कि वो लोग इसे मार डालें, ये हमारे हाथ आ जाना चाहिए। सर इसको तो हम कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ दिन इस पर नजर रखें तो शायद कुछ लिंक्स मिल सकते हैं सर। ठीक है, उस पर कड़ी निगरानी रखो, उससे कोई भी मिलने की कोशिश करे उसे हिरासत में ले लो। और देखो इस केस का चार्ज स्पेशल ऑफिसर दे मल्होत्रा संभालेंगे। Hey!
नहीं है, he's a bloody professional with strong will. सर, उसकी खामोशी उसकी मर्जी या विल पावर नहीं है, उसकी मजबूरी है। आप लाख टॉर्चर कर लीजिए, गुंगा आदमी बोल नहीं सकता। लिख तो सकता है। सर, उसके हाथ देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि उसने जिंदगी में कभी कलम नहीं पकड़ा होगा। देव, एक्सक्यूज मी। यस, डॉक्टर अग्निहोत्री, सेंड मैन। I can't believe कि वो आदमी गूंगा है। Come in. Yes, डॉक्टर अग्निहोत्री। सर, देव का शक ठीक है, वो आदमी गूंगा है, उसके दोनों वोकल कॉर्ड्स डैमेज हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू मे गो एंड गेट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन डन। ओके सर। नाउ व्हाट? इस केस को बंद कर दीजिए सर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? केस बंद करके प्राइम मिनिस्टर के कत्ल का इंतजार करें? सर, अगर आप मुझे अपनी बात कहने दें तो यह सब आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। गो ऑन। सर, आप उस चोर की बात गौर से सुनिए। उसने साफ साफ कहा है कि पहले ने यह कहा, दूसरे ने यह कहा, तीसरे ने यह कहा, लेकिन चौथा खामोश था। और वो खामोश सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो गूंगा है। एक और बात सर, हमारे डिपार्टमेंट का कोई अफसर इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, वरना इतने कॉन्फिडेंस से यह नहीं कहता कि सीबीआई की एक्टिविटीज की सारी खबर पहले उसे मिलेगी।
फाइंड आउट दैट बास्टर्ड फर्स्ट। वो भी मिल जाएगा सर, लेकिन पहले हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हमने ये केस बंद कर दिया है। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ। थैंक यू सर। पर आगे तुम्हारा क्या प्लान है? गूंगे को छोड़ दिया जाए, जैसे वो बेगुनाह हो। Oh,
पुलिस स्टेशन हवालात, दिस वॉज एन इमरजेंसी केस। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, कब से तुम्हारी पक 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 सुनता जा रहा हूँ। आई एम देव मल्होत्रा, सीबीआई ऑफिसर। ये रहा मेरा कार्ड, कल सुबह विटनेस बनकर आ जाना पुलिस स्टेशन। जाओ। विटनेस? माय फुट। भैया भैया। हाय कांची, हाउ आर यू? आई एम फाइन बिग ब्रदर, लेकिन आप 3 दिन से थे कहाँ? पहले अंदर तो आने दे। पहले ये बताओ, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़े, कौन कौन से गुंडों को जेल भेजा, कौन से षड्यंत्र का पता लगाया, बताओ ना भैया। आई एम वेरी एक्साइटेड। कांची, भैया को बैठने तो दे। हाय डैड। हाय सन। आपकी तबीयत कैसी है डैड? अब ठीक है, दूसरे डॉक्टर का इलाज चल रहा है ना। कांची आज माँ नजर नहीं आ रही। हाँ, 3 दिन में याद नहीं आई, अब नजर भी नहीं आती माँ। कुछ दिन में ये भी भूल जाना, माँ थी। कम ऑन माँ। डॉक्टर साहब, इससे कहिए ये मेरे पैर छोड़ दे। डैड, इनसे कहिए मुझे प्यार से उठाकर गले से लगा लें। भाई, तुम दोनों ने एक दूसरे की बात सुन ली है, अब खुद ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है। आपकी इसी आदत ने इसे बिगाड़ के रखा है। ठीक कह रही है माँ, आपको तो डंडा उठाकर मेरी पिटाई करनी चाहिए। किसकी हिम्मत है जो तुझे हाथ लगाए? डैडी, हम लोगों को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ये दोनों कब जंग करे कब सुलह करे कुछ पता ही नहीं चलता। यार, तुम कहाँ गायब हो जाते हो, कम से कम फोन तो कर दिया करो, तुम्हारी माँ परेशान हो जाती है। आई एम सॉरी। वो क्या है डैड, एक बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक इनोसेंट लड़की भी फंसी हुई है, आई विटनेस समझ लीजिए, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। या दीदी। हाँ है, लेकिन आप हैं कौन? मुझे देर से मिला है। सुनिए प्लीज, मुझे बता लो। देव, देव, मुझे
अरे बचा लूंगा भाई, हटो तो सही। क्या पोज है, क्या सीन है, लव इन ड्रॉइंग हॉल। शट अप कांची। बेब, डैड, ये लड़की कौन है? डैडी, ये है भैया की गर्लफ्रेंड, आपकी और माँ की होने वाली बहू और मेरी भाभी। कांची, तो क्या इसी के लिए शादी की बात चलता था? माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या तेरी पसंद स्वीकार नहीं करती? डैड प्लीज समझाइया, इन्हें समझती नहीं है। अरे भाई, तुमने मुझे बताया था जो मैं तुम्हारी तरफ से बोलूं? आज पहली बार तुमने अपनी बात मुझसे छुपाई है। डैड, ऐसी बात नहीं है। डैड, कम ऑन भैया, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? डैड, ये वो टीना है। पहले भी बता सकता था, नाम कुछ भी हो लड़की अच्छी होनी चाहिए। ओह माय गॉड, ब्लडी गोपी। गोपी गोपी गोपी, जो कुछ होता है गोपी की वजह से होता है। भूचाल आता है गोपी की वजह से, तूफान आते हैं गोपी की वजह से। वो लड़की तुम्हारे वजह से मेरे घर आई, घर वाले पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। मुझे क्या मालूम था कि वो घर तक पहुंच जाएगी, जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने कर दिया। ये रही उसके घर की चाबियां, मैंने लॉक कर दिया है, सिर्फ दो सूखे स्लाइस मैंने खाए हैं और पेट भर के दूध उसका पी लिया है। भूखे में अपने को सब कुछ चलता है। पेट भर के खा लिया ना, तो जुबान क्यों चल रही तेरी? जुबान नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा, अपना काम ही जुबान चलाना। चल अब उसके सामने, ठीक है, मैं समझ रहा हूं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। टीना, टीना दिस गोपी, टीना। हाय गोपी। हाय। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये आपने ट्रेनिंग कहां से ली? ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? शट अप गोपी एंड डू योर जॉब। ओके, अच्छा उस कार से हमें मोबाइल फोन मिला है, हमने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसे आखिरी कॉल किया गया था। विजय, यस, वी ऑन द जॉब। इस फोन के मालिक का पता और सारे कॉल्स की डिटेल हमने मंगाई है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कभी तुम एक काम करो, तुम टीना को हमारे आर्टिस्ट के पास ले जाओ और उस आदमी का स्केच करवा लो। ओके, okay? Okay. मैं उस मोबाइल नंबर के एड्रेस पर होकर आता हूँ। ऑलराइट टीना, तुम उस आदमी का चेहरा हमारे आर्टिस्ट को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर देना और फिर गोपी तुम टीना को घर छोड़ा। ओके, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विदाउट यू देव। गाड़ी तो तुम लोगों की वजह से बर्बाद हुई, घर पर डर लगता है, बाहर जान का खतरा है और मैं मरना नहीं चाहती। टीना, बच्चों की तरह बातें मत करो, कोई जानमान का खतरा नहीं है, समझे? नथिंग डूइंग देव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस। टीना, नो। ओके बाबा, तुम उस मोबाइल एड्रेस पर हो, मैं टीना को लेकर चलता हूँ, चलो। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। सोचता हूँ अगर मैं ना होता तो इस डिपार्टमेंट का क्या होता। हेलो जेंटलमैन, कैन आई हेल्प यू? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जेंटलमैन। कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। कहिए क्या सेवा करूं? पहले ये बताइए मैंने आपको कहां देखा है? अरे मैं कहीं भी देखा होगा, हर जगह नजर आता हूं। सिग्नल में भीख मांगते हैं? ए मिस्टर, जबान संभाल के बात कीजिए, जॉनी लिवर नाम है, एक मशहूर आदमी हूँ। हवाला कांड में पकड़े गए थे? मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ। रोड पर मजदूरी करते हो? जी नहीं, एक्टर हूँ। लगते तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है। एक्टर शक्ल से नहीं, टैलेंट से होता है। By the way, आप क्या बला हैं जो इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं? मैं CBI ऑफिसर गोपी हूँ। CBI? पहले किसने बताया? आइए आइए, अंदर आइए। आइए सर बैठिए, मेरा इनकम टैक्स तो क्लियर है। ओके ओके, इट्स ऑल राइट। एक्टिंग के अलावा तुम्हारी और क्या क्या प्लानिंग चल रही है? जी, शूटिंग के बाद मैं सीधे घर चला आता हूँ, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। वो तो सभी एक्टरों के हैं। ये शूटिंग के बाद सीधे घर चले आना, तुम एक्टरों ने कब से शुरू कर दिया है? थैंक यू सर। ये जलती भी है और चलती भी है। मोबाइल है? जी। 9821038879 किसका नंबर है? जी मेरा नंबर है। 9821017889 किसका नंबर है? मेरा नंबर नहीं है। हमको जिसमें शक हो जाता है ना, उसे सीधा गोली मार देते हैं। तुम एक्टिंग कहाँ करते हो? फिल्मों में स्टेज पर मिमिक्री करता हूँ एक्टरों की। तुम्हारा अपना क्या है? रोटी तो तुम दूसरों की आवाज निकाल के खाते हो। यही तो मेरी कला है। और क्या क्या कलाएं हैं? मैं पागल हो रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम भूत हो या इंसान हो? जेल की हवा खाओगे ना, सब समझ में आएगा। देव, दिस इज हिम। आर यू श्योर?
I'm sure, 100%. देखो इसकी सही पहचान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आदमी को मैंने करीब से देखा है देव, I'm sure. पवन, चेक करो डिपार्टमेंट में इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, और प्रिंट आउट की कॉपी निकाल कर लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे एजेंट्स को भिजवा देना। All right, I'll do that. देव, उस मोबाइल फोन ओनर का एड्रेस मिल गया जो हमें गाड़ी में मिला था। Well done, buddy. अब मिल गया लंबी कड़ी का सिरा। Get the officers ready, get ready for the ride. Quick, तू मेरे ऑफिस में रुकना। मैं घर होके आती हूँ। Quick, get the officers. सर आप, ये सब क्या है? सर ये ऑफिशियल रेड है सर। ऑफिशियल रेड? सर ये एड्रेस उसी मोबाइल फोन का है जो उस दिन हमें गाड़ी में मिला था। ओह, आई सी। देव, ये मेरा फार्म हाउस है, मैं वीकेंड में कभी कभी यहाँ रेस्ट करने आ जाता हूँ। यस सर। मुजरिम जुर्म करने से पहले अपना रास्ता ढूंढ लेता है। We have a tough job in our hand. Why are you so upset? It's not a question of defeat, Tina. Problem ये है कि हमारी हार की कीमत देश को चुकानी पड़ती है। Excuse me, Dev. Dev Thakur का कोई भी criminal record नहीं मिला है। Are you sure? Certainly. मैंने IBI पुलिस रिकॉर्ड से भी confirm करवा लिया है, लेकिन इस आदमी का कोई भी criminal record नहीं है। और वो मोबाइल numbers? सारे चेक किए? हाँ, तकरीबन सभी के सभी चेक कर लिए। तकरीबन का मतलब क्या है? एक नंबर हमें सही रास्ता दिखा सकता है। Go check them all, quick. All right, I'll do that. क्या लापरवाही है? I don't understand these people. Hello? Hello, hello? Tina? Hello? Hello? हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू टोल के, दीवानी लड़की है कि देख तीर नजरों से देख के मुझे देख ले ही कहती है।
मुझ पे फिदा है वो दिल जान से दूर होके लगते मुझे करीब है क्या मेरा दिल बाहे रात दी पे आ गया है छा गया है मेरे दिल पे वो है हेलो हेलो बोल के आउच मेरे आजू बाजू ढोल के हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू ढोल के दीवानी लड़की एक देख तीर नजरों से देखे मुझे देख ले कहती है मेरे आजू बाजू ढोल के देव ये वही मोबाइल फोन है जो टीना की गाड़ी से मिला था ठाकुर का है कोई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मैं बात करूं नहीं मैं बात करता हूं हेलो हंसने का शौक अगर पूरा हो गया तो बात कर लो हेलो पवन 6200549 एड्रेस चेक कर लो जल्दी क्विक गेट मी द एड्रेस नाउ ओके कमांड था या बेवकूफी लेकिन गलती तो कर बैठा देखा ना देव मैंने कहा था ना कि वो कोई ना कोई गलती कर बैठेगा कर बैठा ना लेकिन आप हम यहाँ क्या कर रहे हैं मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तुम मेरे सर पर बैठी हो तुम्हें कोई काम नहीं वांट यू गोइंग टू सम वर्क है ना बहुत भूख लगी है कुछ खाने चले हेलो यस सर राइट अवे सर या बॉस का फोन दो मिनट में आया आई विल बी बैक चौहान चौहान इस केस में कैसे आ गया कौन चौहान सर ये जिसकी तस्वीर है सर ये चौहान नहीं ठाकुर है वही गुंगे का दोस्त जो बचकर भाग गया और इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है व्हाट नॉनसेंस ये चौहान है भाई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है 12-15 साल पहले मैंने इसे ड्रग के केस में गिरफ्तार किया था आर यू श्योर सर 100% श्योर बाद में ये जेल से फरार हो गया और आज तक इसका कोई पता नहीं चला अगर ऐसा है तो ही इज अ मैन तुमने खुद इसका रिकॉर्ड चेक किया नहीं सर आई एम सॉरी सर सर लेकिन ये काम मैंने पवन शर्मा को सौंपा था कॉल दैट इडियट यस सर या गिव मी पवन शर्मा प्लीज सर पवन शर्मा ऑफिस में नहीं है नहीं है जी वो कहीं बाहर गए हैं एक मिनट सर वो बाहर गया हुआ है ऑफिस कैसे छोड़कर जा सकता है मैंने उसे एक फाइल चेक करने के लिए कहा था एक मिनट या 6200549 नेम एंड एड्रेस अर्जेंटली प्लीज ओके सर समझ में नहीं आता कि पवन ने ऐसा क्यों कहा कि ठाकुर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सरप्राइजेस मी हेलो सर एड्रेस लिख लीजिए या वन मिनट Yeah. 401. Paradise Apartment. Paradise Apartment. 7th floor. 7th road. New Bombay 49. Sir, this phone belongs to Mr. Pavan Sharma. Are you sure? Yes, yes, very much. Thank you. Sir, your name, number or address, Pavan Sharma ka hai. What? Sir, chautha aadmi, Pavan Sharma hi hai. Pavan. Yes, sir. बड़ी होशियारी से काम करना होगा सर जब सांप आंस तीन में बैठा हो तो खतरा तो होगा ही बी केयरफुल डोंट वरी सर सर शर्मा के पास काफी इंफॉर्मेशन होगी पॉजिटिव और रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट मुझे सभी जगह रेड अलर्ट चाहिए समझे गो क्विक गेट इट डन इमीडिएटली ओके इतनी जल्दी भी क्या है पवन कत्तारी का मुआवजा तो तू ले चुका होगा लेकिन अभी उसकी सजा बाकी है देव प्लीज
डोंट शूट मी देव। डोंट वरी, आई वॉन्ट शूट। मैं तुझे जिंदा लेकर जाऊंगा। बता पवन, कौन है वो लोग जिनके लिए तूने अपना जमीर बेच दिया? बता पता पवन। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। पता वरना मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। नहीं, बता क्या हूँ? मुझे कुछ नहीं मालूम। पवन आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, पर मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये प्लान ऊटी में बना था। ऊटी में? ऊटी? इतना काफी नहीं है पवन, मुझे उस आदमी का नाम पता। पता कौन है वो लोग जिनके लिए तूने अपना जमीर बेच दिया? पवन, पवन बता, बता वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। पवन, मदद करो दे, मुझे छोड़ा नहीं दे। सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। इस बैग में तुम्हारी टिकट, जरूरी कागजात, सर्टिफिकेट, नई पहचान है। नाउ दिस केस इज आउट इन द ओपन। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री एंड आईबी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तुम्हें हर जगह से मदद मिल सकती है, लेकिन किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तुम वहां बिल्कुल अकेले हो गए, तुम्हारी जिंदगी खतरों से घिरी होगी। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू अस। फर्दर कम्युनिकेशन ऑपरेशन रेड फोर्ट लाल किले के नाम से होगा। ऊटी में तुम एक स्कूल टीचर की नौकरी करने जा रहे हो। तुम्हारा नाम पृथ्वी है और तुम्हारे बीवी बच्चे आतंकवाद के एक हादसे में मारे गए। तुम जिंदगी से ऊब गए हो, इसलिए पहाड़ी इलाके में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो। और अगर कोई ऐसा मौका आया जहां तुम्हें खुद को रिवील करना पड़े, तो तुम्हारी कहानी होगी कि तुम एक सीबीआई ऑफिसर हो और किसी ड्रग स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन में लगे हो। प्राइम मिनिस्टर किलिंग प्लॉट हमेशा टॉप सीक्रेट रहेगा। ऑल द बेस्ट देव। कुदरत के खेल भी कितने निराले हैं। इतनी सी उम्र में तुम्हें कितने दुख झेलने पड़े। अरे मेरा तो दिल रो पड़ा जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी बीवी और बच्चे आतंकवाद के शिकार हो गए। बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं हमारे देश का क्या होगा। कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। आई नो। शरीफ लोगों के लिए। आई नो। मैं तो जिंदगी से मायूस हो चुका हूं। नहीं पृथ्वी, नहीं। भयानक सपनों को भूलकर जीना सीखना चाहिए। अरे सारी जिंदगी पड़ी है सामने और वक्त बड़ा कामयाब मरहम है, हर घाव को भर देता है। वैसे भी पृथ्वी, इन पहाड़ी वादियों में इतना रोमांस है, इतना रोमांस है कि आई एम श्योर कि तुम जिंदगी को फिर से प्यार करने लग जाओगे। आई विल ट्राई सर। और तुमने आने का जो फैसला किया ना, बिल्कुल सही किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साइरस, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। साइरस मेड अ न्यू टीचर। पृथ्वी, पृथ्वी हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं। हेलो सर। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम टू आवर स्कूल। थैंक यू सर। सर, लगता है दुनिया के सारे अच्छे लोग इसी स्कूल में रहते हैं। देखा देखा देखा, जिंदगी वापस आने लग गई ना जिंदगी में। एनीवे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। श्योर सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर पृथ्वी, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मुलाकात तो होती रहेगी। डेफिनेटली सर। एक छत के नीचे रहकर बिना मिले गुजारा कैसे हो सकता है साहब? You are right. Excuse me, sir. Okay.
सर मुझे किस क्लास को पढ़ाना? किंडरगार्टन जी? हाँ, केजी। केजी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। अच्छे बच्चे। अच्छा बच्चों, मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं आपका नया टीचर हूँ, ओके? सर सर, जो पहले वाला टीचर तो मर गया? अरे नहीं नहीं बेटे, उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो दूसरी स्कूल वाला टीचर वो मर गया? अरे नहीं बेटे, कोई मरा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है और मैं 100 साल के बाद मर जाऊंगा। अच्छा बच्चों, अब आप लोग एक एक करके अपना नाम बताएंगे, ओके? ओके। वेरी गुड। हमारा नाम टूटी फ्रूटी है, हमारे मम्मी बैंक में काम करते हैं, हमारे डैडी घर पे टीवी देखते रहते हैं। और बेबी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हीना। बहुत प्यारा नाम है। बेटे आपकी उम्र क्या है? हाँ, लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। सॉरी 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 दादी माँ, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ? तुम लोग आज क्यों रहो? क्यों आशे हो तुम लोग? क्या हुआ? क्या हुआ? टीचर जी, आपके पीछे दम लगी हुई है। अरे, किसने लगाई? तूने लगाई? नहीं नहीं नहीं, और नाम नहीं, नहीं नहीं नहीं, नो मोर इंट्रोडक्शंस। आप सबसे आपका नाम कल पूछेंगे, ओके बेटे? हाँ, अब हम पढ़ाई करेंगे, ओके? मैं आप लोगों को एक पोइम सुनाऊंगा, ओके? अब कौन सा पोइम सुनाएंगे? कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ, हम्प्टी डम्प्टी। अब मेरे साथ साथ बोलो, ओके? हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। बाथरूम कहाँ? अरे बाथरूम कहाँ है? अरे हुआ कुछ नहीं, बाथरूम कहाँ? बाथरूम। हाँ, हम्प्टी डम्प्टी। वेरी गुड, जल्दी चलना। अच्छा अच्छा, ये है क्या? ये तो बहुत नीचा है यार, बहुत नीचा है। मुझे भी आई है। अरे वहां जाना। अच्छा इधर रुक। कहाँ ले आए? सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, ऐसा क्या हुआ जो आप इतना चिल्ला रही हैं? आपको आपको शर्म नहीं आता? सर, पोस्ट ऑफिस। सॉरी फॉर द डिले, रुकावट के लिए खेद है। लेकिन तो क्या हुआ, मैं यहाँ का नया टीचर हूँ, मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं केजी क्लास को पढ़ाता हूँ। केजी टीचर होने का ये मतलब तो नहीं कि आप बच्चों के टॉयलेट में घुस जाए? बच्चे भी तो डर सकते हैं। इस स्कूल में लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट अलग अलग है। हर एक स्कूल में होता है। हा? लेकिन अगर आप मुझे गाइड करने के लिए होती तो शायद ये गलती ना होती। क्या करूं, जल्दी में था, बच्चे ने दिखा दिया, घुस गया। बाय द वे, आपका नाम क्या है? कोमल। लगती तो नहीं।
मेरा मतलब है इतना गुस्सा, इतनी कड़क, दिल पत्थर का और नाम मुलायम सिंह। जाइए जाइए अपने क्लास में जाइए टीचर जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ मैं। एडमिशन लेना पड़ेगा। आपका क्लास वहाँ है। टीचर जी आपकी बच्ची यहाँ है। मेरी क्लास की बच्ची है ये। ए उस्ताद, तूने तो मुझे मरवाई डाला था यार। सर, टीचर अच्छी है ना? अब बदमाश। मिस कोमल, इतनी रात को कहाँ जा रही है? क्या देखता है साहब? हेलो पृथ्वी साहब। हेलो सर। आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही ठंडी हवा का मजा ले रहा था। ऐसे गिरधारी से तो आप मिली लिए होंगे। आप इसके होलिये पर मत जाइए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है इसके साथ। क्यों, क्या हुआ? इसका जुड़वा भाई खो गया है, न जाने इस वक्त वो बेचारा कहाँ होगा। और वैसे भी वो गूंगा है, किसी को ठीक से कुछ बता भी नहीं सकता है। ओह आई सी, इसीलिए? हाँ इसीलिए कुछ खोया खोया सा रहता है पृथ्वी जी। सर आप पृथ्वी ही कहिए, वैसे भी मैं आपका जूनियर हूँ और फिर उम्र में भी। उम्र में भी आप मुझसे छोटे हैं। As you say. तो मिस्टर पृथ्वी चले, काफी लेट हो गए हैं। चलिए सर। टेक केयर। ये बोलता है फॉर एप्पल नहीं आमिर खान। नहीं सर, अमिताभ बच्चन। क्वाइट। कल रात वाली गाड़ी। Excuse me? जवान कहाँ खो गए? जी सर वो मैं यहाँ से जा रहा था। इस उम्र में हकलाना? वेरी बैड, वेरी बैड। लगता है इस इलाके में नए हो। जी हाँ सर, टाउन बॉस को स्कूल में टीचर हूँ। रास्ता भूल गया सोया आ गया। इस उम्र में रास्ता भूल जाना? वेरी बैड, वेरी बैड यंग मैन। एनीवे आओ हमारे साथ गपशप मारते, आओ कम कम। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन ये आपके पैर में चोट कैसे लगी? इफ यू डोंट माइंड। I have no mind to mind. भाई फौजी आदमी हूं, चोट तो जंग में ही लगेगी ना, बेडरूम में तो नहीं लगेगी ना। Jolly good young man, jolly good. Look, look young man, look. I'm sorry, sir.
नो 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 यंग मैन, आई एम नॉट सॉरी। अरे देश की राह में कुर्बान हुआ ये पैर, गर्व की बात है एक सिपाही के लिए। ए नौजवान, कहाँ खो गए? कुछ नहीं सर, सर इजाजत दें फिर मिलूंगा। अरे अरे इतने भी क्या जल्दी है, कुछ देर बैठो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ हमारी सुनाओ, इश्क की दास्तानें। थैंक्स सर। यहाँ से जाना कैसे होगा सर? वेरी इजी, यहाँ से बाहर जाने के बाद राइट, देन फर्स्ट राइट, सीधा डॉन बॉस्को। ओके थैंक्स। चौहान ठाकुर, ये कर्नल ओ माय गॉड, माय क्लास, बच्चे कहाँ गए? तो 7 साल बाद मरूंगा। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम एक टीबीआई ऑफिसर हो, शायद मैं तुम्हारी मदद करता। एनीवे, तुम्हारे अपने कुछ रूल्स होंगे, उसूल होंगे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रैकेट है और उसमें कर्नल कपूर और हमारे स्कूल की टीचर मिस कोमल शामिल है। नो, आई कांट डाइजेस्ट दिस। बिलीव मी सर, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, इट हैज सम बेस। कर्नल कपूर बॉम्बे में हमारे हाथों से बचकर निकल गया, और मिस कोमल कर्नल कपूर से मिलती रहती है। नहीं पृथ्वी, नहीं, कर्नल कपूर को मैं जमाने से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। अब ये रिटायर्ड जिंदगी यहाँ जी रहा है, वैसे वो कभी बाहर भी नहीं गया। और मिस कोमल, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम एक नोबल कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हो। वैसे ड्रग्स आज की जनरेशन के लिए कैंसर बन गया है, उसे दूर करना ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। चलो, यू कैन हैव दिस। थैंक यू वेरी मच सर। और हाँ, कल कोमल अपनी क्लास को लेकर पिकनिक पे जा रही है, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने क्लास को लेकर उसके साथ जा सकते हो, शायद उसके करीब रहकर तुम्हें तुम्हारे काम में मदद मिले। क्यों? गुड आइडिया सर। गो अहेड। थैंक यू सर। सर भी रूठे रूठे हैं, टीचर भी रूठी रूठी है, पिकनिक में नहीं कशर, हमको हो गए बोर।
पिकनिक में आया। अंदर से जैसी भी हो ऊपर से सच्ची लगती है, उससे में पिक्चर तुम्हारी और भी अच्छी लगती है। Shut up! बोलो। चलो बच्चे लोग, चलो 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 चलो। अरे कहाँ देख रहा, दूसरी भी गर्लफ्रेंड है क्या झाड़ के पास? चल चल, कम ऑन। क्या कर रहे हो? कौन है तुम? कौन थे वो लोग? मुझे क्या पता वो लोग कौन थे? बताओ वरना गोली मार दूंगा। वेट ए मिनट मिस्टर देव मल्होत्रा। जी हाँ, हम आपकी असलियत जानते हैं, आप सीबीआई ऑफिसर हैं। आई एम जयसिंह फ्रॉम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और ये? शी इज आल्सो फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट। हमने इन्हें यहाँ प्लांट किया था ताकि ड्रग स्मगलिंग के बारे में पता लगा सके। लेकिन कोमल और कर्नल का रिश्ता? ऑफिसर दरअसल कर्नल खुद ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। शी वॉज डूइंग हर जॉब। ये हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, अच्छा वो आपने मुझे बताया। लेकिन कोमल, क्या कर्नल 12 और 15 अगस्त के बीच यहाँ था? नहीं, करीबन एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे। फिर गुजराल ने मुझसे ये क्यों कहा कि कर्नल कभी बाहर नहीं जाता? गुजराल साहब को कैसे पता होता, वो तो खुद शहर से बाहर गए हुए थे। क्या? हाँ। फिर महेंद्र प्रताप गुजराल ने मुझसे झूठ क्यों कहा? महेंद्र प्रताप गुजराल को? महेंद्र प्रताप गुजराल MPG। महेंद्र प्रताप गुजराल को हार से नफरत है, और दूसरा मौका देना मेरे लिए हार के बराबर है। वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करते कर्नल। जो आदमी मुझ तक पहुंचने की कुव्वत रखता हो, कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। इतने सारे शार्प प्रोफेशनल शूटर क्या कर रहे थे? एक आदमी हम लोगों के लिए कहर बन गया है। एक आदमी। कूल डाउन MPG, कूल डाउन। काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। We are exposed, man. हमारा पर्दा फाश हो चुका है, और ये सब तुम दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम दोनों की वजह से मेरे सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, उसे जाकर खत्म कर दो। Kill him, man, kill him. MPG, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो अब हमारे हाथों से नहीं बच सकता। Don't underestimate him, Colonel. He's a trained officer. दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और खुद से दूर भी नहीं गुजराल, मैं तुम सबकी असलियत जान के आऊं। कर्नल उर्फ चौहान, महेंद्र प्रताप गुजराल उर्फ MPG। खत्म हो चुका तुम्हारा नाटक। अब ऐसा अब मूव, अब मूव, ऐसे मूव, मूव। चलो
चलो जल्दी। कमल, बच्चों को हॉस्टल की तरफ ले जाओ और रेड अलर्ट दे दो, क्विक। ओके। बंदूक फेंक दो, फेंक दो बंदूक नीचे। देव बल्होत्रा, बच्ची की परख से उड़ा दूंगा, यहां कोई नहीं बचेगा, समझे? ड्रॉप योर गन, आई से ड्रॉप योर गन। अब नीचे आओ, चलो। देव, तुम तो बहुत समझदार हो ना, मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ देव, वरना वरना कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं कुछ भी हो सकता है, हट जाओ, कहीं जाने जा सकती है, हट। गुजराल, तुमने ठीक कहा, कुछ भी हो सकता है। गन छोड़ो, अब बच्ची को छोड़ दो, छोड़ो। देव, अब तो तुम्हारे जहन से वो शक निकल गया होगा जो मुझ पर था। दरअसल मुझे गुजराल पर शक था, इसलिए तुमने मुझे इसके इर्द गिर्द टांग झांक करते हुए देखा होगा। मैं काफी अरसे से देख रहा था कि स्कूल में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए गुजराल। चलो पीछे हटो, जल्दी। वक्त बहुत कम है, हमने आपके वतन के सारे शहरों में सारे इंतजाम कर दिए हैं, खर्च के लिए पैसा, मदद के लिए आदमी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हमारा ऑपरेशन गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर हाल में कामयाब होना चाहिए। ऑपरेशन गांधी जयंती कामयाब है, देव मल्होत्रा को रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है, वो बचकर नहीं जा सकता। Thank you.
ठीक। किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, जाओ। कमल, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे यह बैग सीबीआई डायरेक्टर के पास पहुंचना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑपरेशन रेडफुट के नाम से होगा, ओके? आओ, कमल। कमल, जाओ। कुछ सकती। देखो, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, वरना मारे जाएंगे। कम ऑन, जंप। हम लोग मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं मेरा भरोसा करो। अपना हाथ दो। नहीं एमपी जी, अब तक सीबीआई ऑफिसर देव मल्होत्रा की आत्मा नरक में आराम कर रही होगी। रास्ता साफ है, मैं उस हरामजादे शास्त्री की लाश अपने कदमों में देख रहा हूं। मैं उसे मारूंगा जरूर। बेशक ऑपरेशन गांधी जयंती सक्सेसफुल होगा। महेंद्र प्रताप का असली नाम सूरज सिंह है। 24-25 साल पहले वो हिमाचल के एक गांव में स्कूल टीचर था। उसमें एक खास बात थी, भेष बदलने की कला, और इसी कला में माहिर होने की वजह से आईबी ने उसे बकायदा हायर करके जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा। वहां करीब 4.5 साल बाद वो पकड़ा गया और 12 साल तक जेल में रहने के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने उसे ब्रेन वॉश करके एंटी नेशनलिस्ट बनाकर यहां हमारे खिलाफ प्लांट कर दिया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद वो आज दुनिया का बहुत ही खतरनाक माना हुआ एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। इज वेरी डेंजरस बिकॉज इज वेरी गुड। मैंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को उनके लाइफ थ्रेट की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भेज दी है, फिर भी पता नहीं क्यों। मुझे प्राइम मिनिस्टर की आइटनरी की लिस्ट चाहिए सर। वो लिस्ट मंगाई है मैंने, वो जल्दी ही मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, एक बात और, हमारी रिक्वेस्ट पर नारकोटिक डिपार्टमेंट ने मिस कोमल को यहां डेपुटेशन पर भेजना मंजूर कर लिया है। ये लड़की है या खूबसूरत बला, जरा इसके यौवन की देखो कला। ये लड़की है या खूबसूरत बला, जरा इसके यौवन की देखो कला। अदा में नजर में है जादू भरा, कहीं फंस न जाए कोई मन चला। ये लड़का हुआ है दीवाना मेरा, खतरना यकीन इसका है दिल जरा। ये लड़की है या खूबसूरत बला, जरा इसके यौवन की देखो कला। समझो नहीं मुझको तुम, वैसी छूना नहीं
दिल से दिल जोड़ दे। तू जल जाएगा, तू पिघल जाएगा, कभी भी न करना तू ये हौसला। ये लड़की हाय ये लड़की, तुझको तू मुझको जरा आजमा, अकेले में चल चल के नजरे मिला। न मजनू न राजा न फरहाद तू, दीवानों के नक्शे कदम पे चला। अदा में नजर में है जादू भरा, कहीं फंस न जाए कोई मन चला। How's my little devil? Fine. Fine? Kumal, ये मेरी छोटी बहन कांची। Hi. Hi, Kumal. भैया, ये केस तो फाइनल है ना? Shut up. ये मेरी दोस्त है। जाहिर है, दुश्मन को तो साथ लेकर कोई आता नहीं। चलिए। मामी। Family है। मामी देखो कौन आया? अरे देवो, तू आ गया? माँ? पहला कुमार। रोज टेलीफोन पर बात करूंगा, खत लिखा करूंगा, यही कहा था ना? तू तो मेरा काम जानती है ना माँ। ये कौन है? माँ ये कोमल, ये देव की माँ है। नमस्ते। पैर छू उनकी? पैर छू उनकी? दूध हो ना फूद हो फलो। चुप। मम्मी, अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि बेटी कहाँ तक पढ़ी हो, घर में कौन कौन है, क्या करती हो? ओ शट अप कांची, माँ से कहते यहाँ से चली जाए वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। कोमल बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये है ही बड़ी शैतान, अपने भैया को सताती रहती है। राइट माँ। वैसे तुम करती क्या हो? कौनसी, वरना एक झापड़ मार दूंगा। इतना ही ध्यान पढ़ाई में लगाती ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच। मैं तुमसे ज्यादा डैड, ये कोमल है, मेरे साथ अंडरकवर टीचर थी, इस केस में डिपार्टमेंट और मेरी मदद कर रही है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छी है यार। अरे इडियट, इतने खूबसूरत मेहमान को घर में ला रहा था, कब उसको फोन तो कर दिया होता। पंडित पंडित को बुला लेते। कांची आप लोग बैठी, मैं चाय वाय का इंतजाम करती हूँ। यार तुम एक बात बताओ मुझे, मैं लेता हूँ। अच्छा तो कोमल। हाँ? दीदी, मेरे भाई को कुछ पढ़ाए वढ़ा या अनाड़ी का अनाड़ी? वैसे कबीर दास ने कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। ओह गॉड सेव मी। देव। हाँ डैड। तुम्हारा फैक्स, आई सी यू इन द इवनिंग। ओके डैड। ऑपरेशन रेड फोर्ट सर, मुझे प्राइम मिनिस्टर की आइटनरी की कंप्लीट डिटेल्स मिल चुकी है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरेन डेलीगेट को मिल रहे हैं वहाँ हमारा रहना बहुत जरूरी है। यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी देयर सर। सर ओके सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। Mr. Prime Minister, how do you propose to get rid of this phenomena when the people who are in the government decide the fate of the country, indulge in heavy corruption? The system is deep-rooted. How can you uproot it?
First of all, by cleaning up our political system. That is, by scrutinizing the backgrounds of all those people who want to enter public life, by banning the entry of people with criminal backgrounds from our political arena. We totally support the Election Commission in its efforts to prevent anti-social elements from entering and corrupting our social life. माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तब आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे त्यागपत्र देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर आप मुझे विश्वास दिला देंगे, तो मैं अभी त्यागपत्र देने को तैयार हूँ। ओके कोमल, मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा हूँ। कुछ भी होगा तो बता देना। ओके? महोदय, ये उपहास का विषय नहीं, गंभीर समस्या है भ्रष्टाचार की। चपरासी से लेकर एक ऑफिसर तक और सरपंच से लेकर मिनिस्टर तक सब भ्रष्टाचार की कीचड़ में लतपत है। क्या आप इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? मैं किसी भी सत्य को नाकारना नहीं चाहता। आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका सहयोग। क्योंकि जनता भी भ्रष्टाचार में योगदान करती है। रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वालों के कारण पनप रहे हैं। आरोप है प्रधानमंत्री जी, कोरा आरोप। सड़कों पे काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले किसान, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इस देश की बड़ी बड़ी मिलों में काम करने वाले मजदूर क्या भ्रष्टाचार करेंगे? इससे लेंगे वो रिश्वत, लेकिन रिश्वत देना उनकी मजबूरी है। पैदा होने से लेकर मरते दम तक इस महान देश में कोई अधिकार ही नहीं मिलता बिना रिश्वत दिए। घोटाले, हवाले, सबकी जांच की जा रही है। और अगर शंकर, जरा प्रीवियस शॉट पे वापस पान कर देना प्लीज। हाँ, जरा थर्ड रो पे। ओह माय गॉड, ही इज हियर। और सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। देव, वो यही है। कहाँ? मैंने उसे पहचान लिया है। मेरे साथ चलो, सामने बैठा है। कहाँ है वो? वो भाग गया देव। Come on, seal the place. Yeah, okay. तुम कितना भी तेज दौड़ो गुजराल, कानून तुम तक पहुंच ही जाएगा। अगर तुम बच निकलने की सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ हो गुजराल। Everything is over. Give up now. Never. Never. लो गुजराल, मेरा हाथ पकड़कर अपनी जान बचा लो। मेरा हाथ पकड़ लो गुजराल। सूरत सिंह, मेरा हाथ पकड़ लो। देव बल्होत्रा, तुम मुझे बचाना चाहते हो? नहीं, मुझे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, खास करके तुमसे। तुम तो देशद्रोही हो। न जाने कितने मासूमों की जान ली है तुमने। मन तो करता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हें नीचे फेंक दूं। कानून की वजह से मजबूर हो तुम्हें तो जिंदा वापस ले जाकर बहुत सारे सवाल करने हैं तुमसे। लाओ, अपना हाथ दे दो। नहीं देव, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, अपना हाथ दे दो। हेलो। हेलो मिस्टर नाथानी, इज एवरीथिंग फाइन? ओ यस मिस्टर दत्त, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं जरा देव से बात करना चाहता था। या देव इज हियर, स्पीक टू हिम।
देव? यस सर। हेलो देव। हाँ सर। मुझे अचानक दिल्ली आना पड़ा। मेरी एब्सेंस में मेरा चार्ज डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर नथानी ने संभाला है, उनसे तुम मिल ही चुके होगे। ऑफ कोर्स सर। देखो गोपी और विजय भी मेरे साथ आए हैं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। जी सर, उसी के बारे में बात करने वाला था मैं आपसे। देखो खास बात हो तो फोन जरूर करना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कमजोर तो वो हो ही गया है, लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे जुनूनी लोग बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि ठाकुर के मरने के बाद वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेगा। इम्पॉसिबल। क्या हुआ सर? प्रधानमंत्री। क्या हुआ? पीएम ने रिजाइन कर दिया। लेकिन क्यों सर? जरा न्यूज देखते हैं। सेवा बिना पद के भी की जा सकती है, मुझे पद नहीं बल्कि इस देश की खुशहाली और अखंडता चाहिए। मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूं, अपने जनता के प्रति प्रेम, उनके कल्याण के लिए प्रयास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ू। विडंबना है राजनीति की, आज की स्थिति ऐसी है कि बालू की बात मानो तो कालू सरकार गिरा देगा, अगर सदानंद की बात मानो तो ब्रह्मानंद सरकार गिरा देगा। हर साल चुनाव, हर साल ये देश 1200 करोड़ रुपयों से गरीब होगा, महंगाई बढ़ेगी और भूखे बच्चों के मुंह में दूध गंगा जल की तरह डाला जाए। देशवासियों, अगर मेरे पद छोड़ने से इस देश की भलाई हो सकती है, इस सरकार में स्थिरता आ सकती है, एक चुनाव टाला जा सकता है और सत्ता के लोभी संतुष्ट हो सकते हैं, तो मुझे कोई इतराज, मुझे कोई अफसोस नहीं। याद रखिए कि इस देश की अखंडता और गौरव को ठेस नहीं लगना चाहिए। What a shame, sir. एक अच्छा इंसान बिना स्वार्थ के देश की सेवा करने वाला कितना मजबूर हो गया सत्ता के भिखारियों के सामने। It's a sorry state of affairs in our country. कितने अच्छे और काबिल नेता है शास्त्री जी, फिर भी। लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। सर, अब इस केस का स्टेटस क्या है? अब वो प्रधानमंत्री तो रहे नहीं, इसलिए हर बात को अलग एंगल से देखना होगा। और जहां तक कि मेरा ख्याल है, ऑपरेशन रेड फोर्ट स्टैंड सस्पेंडेड। कौन है? बाप लगता है देव मल्होत्रा का। ये शायद उसकी बहन होगी। हेलो। उस दिन तो तुम बच गए देव, अब की बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मेरी आवाज तुम आखिरी बार सुन रहे हो। नहीं गुजराल, तुम्हारी ये मनुष्य आवाज एक बार और सुनूंगा। उस वक्त तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी और तुम जिंदगी की भीख मांग रहे होगे। नहीं देव, नहीं, वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम मेरे काम में बहुत बड़ी रुकावट बन गए हो, तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं शास्त्री को बड़े इत्मीनान से मारूंगा। लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे, तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारे खानदान का भी खात्मा करना पड़ रहा है। जल्दी घर पहुंच जाओ देव, कहीं देर ना हो जाए। बाय। अंधेरा कैसे हो गया?
चलिए चलिए उठे, कम ऑन। अरे डैड घर में बॉम्ब लगा हुआ, कम ऑन, दिस नो टाइम टू आर्गू, कम ऑन। डैड को नीचे ले जा। माँ माँ कहाँ? माँ माँ चल माँ। क्या हुआ? चलिए क्या हुआ? जल्दी माँ, कम ऑन जल्दी प्लीज। बता ना, घर में बॉम्ब लगा हुआ। माँ काका 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 चलिए चलिए जल्दी काका चलिए। आप लोग कह रुके, मैं अभी आया। माँ सुबह घर में कोई आया था? मैं तो बाजार से अभी आई। डैड मैं तो अभी क्लिनिक। हाँ सुबह प्लम्बर आया था, वो बाथरूम का किचन का पाइप ठीक कर रहा था। काजी का? वो तो ऊपर बाथरूम में नहा रही है। ओह माय गॉड, कांची 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 कांची, क्या हुआ भैया? कांची दरवाजा खोलो। भैया मैं नहा रही हूँ। कांची कम आउट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कांची अंदर बॉम्ब लगा हुआ, प्लीज जल्दी आओ बेटा, जल्दी नीचे चलो, डैड के पास ले जाओ और नीचे का बाथरूम चेक करो। ओके मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं इसे, सूरज सिंह। आई न्यू हिम वेल। सर आप और क्या जानते हैं इसके बारे में? अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी केपेबल, बहुत काबिल, जीनियस कह सकते हैं उसे। मैं इसे कई बार मिला हूं, करीब 18-20 साल पहले, तब मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में था। एक दिन मैं एक सोशल फंक्शन अटेंड करने गया था सीमा के करीब के एक कस्बे में, और वहां एक स्कूल टीचर ने स्टेज पर आधे घंटे के नाटक में करीब करीब 10 रूप बदले। सर वो टीचर सूरज सिंह ही था। सूरज सिंह A master of disguises, पर सिर्फ भेष बदलने में ही नहीं बल्कि कई भाषाएं बोलने में भी माहिर था। तो मैंने फौरन सोच लिया कि आदमी हमारे बहुत काम का साबित हो सकता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश की मदद कर सकता है, तो अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेकर सूरज को जासूसी के लिए तैयार कर लिया। फिर सर हमने उसे सीमा के पार दुश्मन देश में अपना एजेंट बनाकर भेज दिया, और कई साल तक वो बहुत अच्छा काम करता रहा। एक दिन पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ सर? फिर मैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं रहा, लेकिन बाद में पता चला कि ही इज बीन डिसओन्ड, सरकार उसे भूल गई। हर देश में यही पॉलिसी होती है ऑफिसर, नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू एक्नॉलेज इट्स स्पाइज। ऑफ कोर्स सर, लेकिन दुश्मन देश ने इसका फायदा उठाया और हमारे ही हथियार को ज्यादा धारदार करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, एंड नाउ He is an explosive expert, sir. And it's also dangerous to your life, sir. Officer, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर वो मुझे जिम्मेदार ठहराता है तो वो बेवकूफ है। And please remember this, he is dangerous. अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मारेगा। He will do it and you won't be able to stop him. मुझे बचाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। No, sir. ऐसा नहीं होगा। Our country needs you, sir. Thank you very much for the cooperation. Thank you. Thanks, sir. Sir, you need not worry. I'll be in touch. Thank you. Sir? Yes? 2 अक्टूबर का आपकी जिंदगी में कोई खास महत्व है? 2 अक्टूबर हर हिंदुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण दिन, हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन। Of course, sir. लेकिन वो उसी दिन आप पर हमला करके देश में सनसनी फैलाना चाहता है। ऑफिसर
2 अक्टूबर मेरा भी जन्मदिन है। ओके सर, थैंक यू सर। इरादा नहीं बदल सकते? नहीं, मैंने पैसे लिए हैं और इस काम की जिम्मेदारी थी। जितना मिलता है उसमें तो गुजारा हो ही जाता है। सिर्फ गुजारा होता है ना, आराम से जीने को कहां मिलता है। कल हमारा परिवार बड़ा होगा, जरूरतें बढ़ जाएंगी। उसके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आप, वो भी दुश्मनों के बीच। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बहुत सारी दौलत कमा के वापस आ जाऊंगा और मेरे पीछे वो साहब तुम्हें पैसा पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, चलो विदा करो। अंजलि, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर किस्मत बहुत बड़ा छल कर रही है। मैं जिसके सीने में गोलियां उतारना चाहता हूं, तुम कहती हो वो देव बल्होत्रा मेरा बेटा है, मेरा, सूरज सिंह का बेटा। हाँ, देव बल्होत्रा तुम्हारा ही बेटा है। वो मेरी आंखों के सामने रहा और मैं पहचानने के बजाय उसे मारने की कोशिश करता रहा, और अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कैसा खेल है ये अंजू, कैसा खेल है? तो देव सिंह क्यों नहीं बना, वो देव सिंह क्यों नहीं बना अंजू? क्योंकि उसके जीवन में बाप नाम का सूरज कभी नहीं होगा। तुम तो उसकी जिंदगी में साया भी नहीं बन सके, परछाई भी नहीं थी तुम्हारी जो उसे दिलासा दे सके। अंजू, अतीत के थप्पड़ों का दर्द कब तक महसूस करते रहेंगे? अब तो सब कुछ मिल गया मुझे, तुम मिल गई, मेरा बेटा मिल गया मुझे। क्या हुआ अंजू, सच्चाई की तरफ पीठ क्यों कर ली? क्योंकि सच्चाई वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सच्चाई ये है कि मुझे वो सब कुछ भूल जाना पड़ा जो तुमसे जुड़ा हुआ था। क्या तुम मुझे भी भूल गई? आपको क्या याद रहा, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार? क्या करती मैं जब मुझे पता चला कि मेरी मांग का सिंदूर मिट चुका है, मेरा सुहाग। झूठ था वो, गलत खबर थी, नसीब का शिकार हो गया था। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में मिली मुझे, आज किस्मत मेरे कहने पर चलती है अंजू, मेरे कहने पर। वापस आ जाओ अंजू, वापस आ जाओ। ये अब मुमकिन नहीं है सूरज, क्योंकि तुम्हारी उस पत्नी की मांग में किसी और का सिंदूर भरा है। मेरे बेटे को एक बाप का नाम मिल गया है, उसी फरिश्ते की एक बेटी है जिसे मैंने जन्म दिया है। हमारा एक परिवार है, मेरा घर अशोक वाटिका जैसा है जहां घुसने वाला रावण भी अपमानित हुआ था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सच्चाई के साथ साथ विनती कर रही हूँ, मेरे स्वर्ग में आग मत लगाना। मेरा बेटा इस देश का सिपाही है और तुम देशद्रोही बन गए हो। जो अपने देश का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। ये तुम कह रही हो अंजू? तो ये नहीं हो सकता, जिस आदमी का सीना मेरी कौली ढूंढ रही है वो मेरा बाप नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि सच कड़वा होता है, आसानी से गले नहीं उतरता।
कभी कभी सत्य जिसे हम इस संसार में परम कहते हैं इतना बेरहम होता है कि बरसों के रिश्तों को चकनाचूर कर देता है। पर वो सच पाप है डैडी, पाप। उससे अच्छा कि हम झूठ के सहारे जिए जो कलेजे को छलनी नहीं करते। काची, ए काची, काची रो क्यों रही है तू? काची, काची रो क्यों रही है तू? सुनो, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ? क्या मैं तेरा भाई नहीं हूँ? काची, काची इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि तू मेरी बहन है। तू मेरी बहन है काची, तू मेरी बहन है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि वो इंसान तुम्हारा बाप है। और एक हकीकत ये भी है कि आप मेरे डैड हैं, कांची मेरी बहन है और वो मेरी माँ है। देखो बेटा, सच्चाई को सच्चाई मैं जान गया हूँ डैड। चलो माँ, अब तुम मेरे बाप और अपने पति के साथ रहना। चलो चलो माँ, चलो माँ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर मुझे क्यों उस नए रिश्ते के जाल में फंसाया जा रहा है? क्यों? मैं तो सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रही थी। हकीकत, 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 हकीकत तो ये भी है माँ कि वो तुम्हारा पति है, कानूनी तौर पर, कुदरती तौर पर। लेकिन क्या उसकी मौत पर तुम अपनी मांग से सिंदूर मिटा दोगी? उतार दोगी कलेश से मंगलसूत्र? देव, तोड़ दोगी कलाई की चूड़ियां? भैया प्लीज। पहन लोगी सफेद साड़ी? विधवा का रूप धारण कर लोगी? बोलो माँ, बोलती क्यों नहीं माँ? उसकी मौत पर खुद को विधवा मान लोगी? बोलो। मेरा सुहाग, मेरा सुहाग यही है, यही है मेरा सुहाग। बस माँ, बस। इसने तेरे आंसुओं की परवाह नहीं की, उसके लिए एक भी आंसू बर्बाद मत करना, एक भी आंसू बर्बाद मत करना माँ, बर्बाद मत करना। फैसला हो चुका है माँ, जिस रिश्ते को तुम नहीं मानती उसे मैं कैसे मान सकता हूं? अब उसका मेरा एक ही रिश्ता होगा जो एक वफादार सिपाही का एक देशद्रोही के साथ होता। मेरे रिवॉल्वर से निकली गोली होगी और उसका नापाक सीना। हेलो, यस, हाँ हाँ, देव, योर फादर। हाँ डैड। देव, देव मेरे बेटे। ट्राई टू कॉल इट हिम। या क्विक, आई कीप हिम बिजी। मेरे बच्चे, ये कैसा खेल है किस्मत का? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हक तुझे किसने दिया गुजराल? गुजराल नहीं बेटा, सूरज सिंह हूँ मैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ बाप। बेटे, एक बात सच सच बताओ, ये तो तुम भी चाहते हो ना कि तुम मेरे बेटे हो, हैं? और मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप कहलाने का हक तुझे किसने दिया सूरज सिंह? कुदरत ने बेटा, कुदरत ने दिया है। अंजलि, तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है बेटा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा कहर टूट पड़ा है मुझ पर। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। मैं ओ शट अप, तुम किसी के बाप नहीं हो सकते सूरज सिंह। किसी के बाप नहीं हो सकते? बाप तो विश्वास होता है जो बच्चों को चलना और बोलना सिखाता, सच और झूठ का फर्क सिखाता है। लेकिन तुम तो कुछ नहीं बन सके सूरज सिंह, सिर्फ एक देशद्रोही, एक खूनी। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने तुम्हारा, जिनकी तुमने हत्या की? क्या बिगाड़ा था टीना ने तुम्हारा? तुमने न जाने कितने बेगुनाह को मारा है सूरज सिंह। तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं बेटे, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार शास्त्री है, मैं नहीं। शास्त्री है, मैं ऐसा बाप नहीं। सर, एम्बुलेंस की आवाज यहां भी आ रही है, वो कहीं नजदीक है, आप इसे बिजी रखें। मैं अभी आया। Bronson, आसपास चेक कर लो, he's got to be around. अब इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। All right. वैसे आप लोग फेर बदल करते रहते हैं, but I won't allow that.
तुमने ये सब चेक करवा लिया? सब कुछ चेक किया गया है। एक बार पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाए तो कल सुबह वापस भी चेकिंग होगी। गुड आइडिया। इन कैमरास के अलावा हमने काफी फ्लाई कैम्स ऐसे जगहों पर छुपा कर रखे हैं जो किसी को दिखेंगे नहीं। अच्छा मैं मॉनिटर रूम चेक करके आती हूँ। ओके। पूछो माइक पर। सुनो वो आदमी जो माइक पे काम कर रहा था कहाँ गया? ये वो जा रहा है सर। हे सुनो हे हाथ दे बेटा देव। हाँ हाथ पकड़ मेरा देव। बेटा बेटा हाथ दे। सोच क्या रहा है बेटा? हाथ दे। सूरज सिंह, सूरज सिंह मुझे ऊंचाई से गिर कर मरना मंजूर है लेकिन तेरा सहारा लेकर खुद की नजरों में देखना नहीं चाहता। किस जगह मेरी बात सुन। पकड़ ले मेरा हाथ। पकड़ ले। बच्चों जैसी बातें मत करो बेटा। हाथ पकड़ लो मेरा प्लीज। बेटा बेटा कर मुझे गाली मत दे सूरज सिंह। तुझे मरना है। तुम गद्दार की मौत मरोगे। तुम किसी के नहीं हो सूरज सिंह। हाथ दे दे दे। हाथ दे बेटा। हाथ दे बेटा। देव जी साइगन। नेट नेट का इंतजाम करो जल्दी इमीडिएटली। पता नहीं कोमल वो कैसे बार बार हमारे हाथों से बच निकलता है। बस उनकी किस्मत अच्छी है और कुछ नहीं। वैसे भी इतना सब होने के बाद उनका कल वहां पहुंचना नामुमकिन है। नहीं कोमल वो वहां आएगा। जरूर आएगा। बट सो स्ट्रेंज यू नो आखिर वो तुम्हारे पिता है। सच एन आयरनी। हेलो देव। कोमल इट्स हिम। जल्दी ट्रेस द कॉल। ये कॉल ट्रेस नहीं हो सकेगी लेकिन फिर भी तुम्हारे साथियों ने हेडफोन्स तो पहन लिए होंगे ना? बोलो सूरज सिंह। थैंक गॉड भगवान का शुक्र तुम सही सलामत हो। देखो मुझे मजबूरन तुम्हें उस हालत में छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि मैं अपना मिशन पूरा किए बिना मरना नहीं चाहता। भाग तो तुम पहले भी चुके हो सूरज सिंह। कभी दौलत की लालच में कभी अपनी जान बचाने के लिए। ऐसी बात नहीं है। इसका जिम्मेदार वो शास्त्री है जिसकी जान तुम बचाना चाहते हो। जुर्म इंसान के किरदार की कमजोरी है और हर मुजरिम अपने जुर्म का जिम्मेदार दूसरों को ही ठहराता है। सूरज सिंह सूरज सिंह सूरज सिंह गुजराल गुजराल पापा ये डैडी नहीं कह सकते तुम। नहीं तुम इसके काबिल नहीं हो। ये इज्जत मैं किसी और को दे चुका हूँ। किसी और को दे चुके हो? देव मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ। तुम मुझे पापा कहोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो मेरे किसी और के नहीं। कोशिश कर लो सूरज सिंह। प्लीज देव प्लीज देव प्लीज मुझे मजबूर मत करो। प्लीज प्लीज कॉल मी पापा। प्लीज कॉल मी डैडी। प्लीज कॉल मी फादर देव। प्लीज नेवर नेवर। ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो नजरें घुमाकर देखो
तुम्हारे साथियों के कानों पर लगे हुए हेडफोन्स में से एक में बॉम्ब लगा हुआ है। एक मिनट हेडफोन निकालने की कोशिश मत करना वरना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। देखो तो वो बदनसीब कौन है। कोई अपने हेडफोन को हाथ नहीं लगाएगा। किसी एक के हेडफोन में बॉम्ब लगा हुआ है। वेट, होल्ड। Oh my God. Come on, relax. Oh my God. Put him on the speaker. Mic de do. Surat Singh. देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोमल बेकसूर है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं भी बेकसूर था देव, मैं भी बेकसूर था। उस कमीने शास्त्री ने मुझे गुनहगार बना दिया। देव, मुझे पापा कहकर पुकारो। प्लीज देव, प्लीज, मैं तुम्हारा बाप हूँ देव। सूरज सिंह, मैं किसी अजनबी को अपना। मैं अजनबी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं अजनबी। तुम मेरे तस्वुर में बढ़ बढ़ कर जवान हुए हो बेटे। मैं कानों से भागता रहा सिर्फ इसलिए कि एक बार मैं तुम्हें सीने से लगा लूं बेटे। एक बार सीने से लगा लूं। प्लीज प्लीज मुझे पापा कहो बेटे। शट अप, ब्लैकमेलर हो तुम, झूठे हो तुम सूरज सिंह। एक बार कहो पापा मुझे। नहीं सूरज सिंह, कॉल बी पापा। नहीं, देखो तुम अगर पापा नहीं कहोगे ना तो कोमल बेवजह मारी जाएगी। कोमल, मैं टेलीफोन रख दूंगा, फिर तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने का तरीका कोई नहीं बताएगा। मैं तीन गिनूंगा देवती। कॉल बी पापा एक, कॉल बी पापा दो, कॉल बी पापा देव तीन। पापा 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 डैमेज। देव फिर से कहो बेटा। प्लीज देव, एक बार और कहो बेटे। पापा। बेटा ये सुनने के लिए मैं थैंक यू बेटा। पापा, बेटा प्लीज बॉम्ब डिफ्यूज करने का तरीका बता दीजिए। देखो मैंने आपकी बात मान ली है। हाँ बेटा, देखो पहले हेडफोन का ढक्कन खोल लो और सुनो, किसी वायर को हाथ मत लगाना। खोल दिया पापा। अब हरी वायर काटना और सुनो, किसी और वायर को टच नहीं करना। बिल्कुल नहीं, बी केयरफुल ना। काट दिया पापा। नाउ द रेड वन। Thanks. Easy, easy, easy. अब पीली और सफेद, अब कौन सी काटू? पीली? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों को इकट्ठा काटना होगा। Simultaneously, एक समय पर। Be careful. Okay. Easy. सूरज सिंह, ये पहली और आखिरी बार तुमने मुझे ब्लैकमेल कर लिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। शास्त्री को सजा दिए बिना मैं अपने आप को कानून तो क्या भगवान के हवाले भी नहीं करूंगा। ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। नहीं बेटे, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं वहां आऊंगा और शास्त्री की जान अपने हाथों से लूंगा। मैं उसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता हूं। मौत का खौफ।
मुझे लगता है गुजराल ने अपना इरादा बदल दिया है। इतनी सिक्योरिटी में वो नहीं कुमार, शायद वो फंक्शन के बाद हमला करने की कोशिश कर। प्लीज, मैं गुजराल को अच्छी तरह जानता हूँ, ना जगह बदलेगा ना वक्त। He's an overconfident bastard. लेकिन वो शास्त्री जी पे हमला कैसे कर सकता है, उसके तो फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। हेलो हमोरे, क्या? मैं अभी आया। बैठिए बैठिए, देशवासियों को शत शत नमन। बैठिए। प्रिय देवियों और सज्जनों, मैं आपके सामने आ तो गया हूं, लेकिन आपका सामना करते हुए मेरा सर शर्म से झुक रहा है। शास्त्री जी, शास्त्री जी, मैं कहता हूं बंद करो, बंद करो ये लूट खसोट, बंद करो ये नफरत के बीज बोना, बंद करो अपनी मां का सौदा। ब्रिटिश इस सोने की चिड़िया के पंख लूट कर ले गए, लेकिन तुमने इसके शरीर से आत्मा को निकालकर इसके अस्तित्व को ही मिटाने की ठान ली है। बंद करो इस देश की हत्या की है योजना। कुमार, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सूरज सिंह यही कहीं है। I'm sure, I can smell him. Come. राजनीति के सिक्के पर धर्म की मोहर लगाकर अपने ही बाजार में खोटा सिक्का चला रहे हो। मुझ पर धर्म विरोधी होने का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन कहा है किसी ने, देशवासियों अच्छे हिंदू बनो, अच्छे मुसलमान बनो, अच्छे ईसाई बनो, अच्छे बौद्ध या पारसी बनो, क्योंकि जब वो समय होगा तब इस देश का हर इंसान एक अच्छा भारतवासी होगा, क्योंकि हर धर्म अपनी मातृभूमि से प्रेम की शिक्षा ही देता है। देव, मुझसे कहा गया है कि मेरी जान को खतरा है, कोई मेरी हत्या करना चाहता है, तो मैं पूछता हूं बताओ तो सही, कौन है ये दुश्मन, कहां से आया है, पराया है या अपना ही है? Are you sure ये इंस्पेक्टर पाटिल है? Yes, 100% sure. इनकी ड्यूटी कल रात की थी। इसका यूनिफॉर्म, इसका मतलब सूरज सिंह यही कहीं है। चेक एवरीबॉडी इन यूनिफॉर्म क्विक। यस ओके सर। कोमल, हमें ये जगह थरली चेक करनी पड़ेगी, क्विक। मैं तो जनता के करीब हूं, हर समय जनता के साथ और बीच में हूं, मुझे निशाना बनाना बहुत आसान है, मार डालो मुझे। अगर मेरा खून इस देश को चाहिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक बूंद से तिलक करो इस धरती मां का, सौभाग्य ही होगा मेरा। अगर मेरी मौत देश के लिए जरूरी है तो लाखों मौत मरने के लिए तैयार हूं मैं, वो मौत मेरे लिए गौरव होगा, शहादत होगी। अब आदरणीय शास्त्री जी आचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। Welcome, Shastri.
किसी ने होशियारी की तो शास्त्री का भेज उड़ा दूंगा। मैंने इसे मारने की कसम खाई है और अपनी आंखों के सामने मारूंगा, मारूंगा जरूर। सब अपने अपने हथियार फेंक दो। कोई अपने हथियार नहीं फेंकेगा। ये आदमी मुझे मारेगा फिर अपनी मौत मारा जाएगा, मेरे मरने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ता है सर, एक आदमी जो देश का भाग्य बदल सकता है उसकी जान लाखों जानों से कीमती है। भाषण समारोह खत्म हो गया, अब शास्त्री की अर्थी का इंतजाम करो। नहीं सूरज सिंह, यहां से लाश तुम्हारी जाएगी, हर आंख में चाक कर देखो कितना आक्रोश है, जलाकर राख कर देंगे तुम्हें। शास्त्री जी को छोड़ दोगे, जेल में जिंदा तो रहोगे। देव बीच में मत आना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तुझे तो भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी गुजराल, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं तुम जैसे देशद्रोही की औलाद हूं। मैं सिर्फ भारत मां का बेटा हूं, इस देश का बेटा। रुक जाओ देव, अपने आदमियों से कह दो गोलियां ना चलाएं। देव देव कहता हो जा पाया, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं देव। प्लीज देव, मुझे सिर्फ शास्त्री चाहिए, देव शास्त्री। देव रुक जाओ। ड्रॉप योर गन देव। देव तुमने एक धमाके का नमूना देख लिया है, सारी जगह को बॉम्ब छोड़ा दूंगा मैं। Drop your gun! खबरदार किसी ने गोली चलाई तो। देव शास्त्री को मेरे हवाले कर दो। देव कहां है शास्त्री? जन्मदिन मुबारक हो सर। थैंक यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू।